so in last few lectures we have seen how trade has affected developing countries and there was a thesis that trade has affected developing countries in a negative way and it has proved to be beneficial for the developed countries but is it okay that developing country can countries can survive without trade no obviously बिकॉज ट्रेड हैज़ सम इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड इट हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू द डेवलपमेंट ऑफ डवल्पिंग कंट्री लाइक अकॉर्डिंग टू हेबलर ट्रेड कैन लीड टू द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स प्रिंसिपली जो अभी तक हम देख चुके हैं यही इस्टेब्लिश हुआ है और करंटली भी यही नज़र आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती हैं और यहाँ पे एक चीज़ जो ट्रेड फैसिलिटेट करती है टू डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो एक बड़ी मार्केट प्रोवाइड करती है एक माइक्रो इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयर और वहाँ पे अगर उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयर के अंदर अंदर अगर कोई कंट्री प्रोडक्शन कर रही है तो दैट मीन्स वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के जमरे में आती है सो ट्रेड इज़ प्रोवाइडिंग लार्जर मार्केट्स एंड देन एफिशेंट यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स तो जब फुड फुल यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्स की आदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आदर इन द फॉर्म ऑफ लेबर तो द कंट्रीज कैन प्रोड्यूसड फॉर दैम सेल्फ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो फर्स्ट पॉइंट दैट ट्रेड इज़ फैसिलिटेट डेवलपिंग कंट्रीज इन कैप्चरिंग न्यू मार्केट्स वेयर दे कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसज एट अ लार्जर स्केल एंड सेंड दैम टू दो कंट्रीज फर्दर इसी चीज़ से लिंक होता है आइडिया इकॉनमीज ऑफ स्केल का वी हैव लर्न अबाउट दैट कि जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़ तो वहाँ पर कंट्रीज़ को इकॉनमीज मिलती हैं या उनको बचते होती हैं सो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती हैं जब लार्जर स्केल पर प्रोडक्शन करेंगी तो उस केस के अंदर वो लेबर को भी प्रॉपरली डिवाइड कर सकेंगी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस और जो एफिशिएंट लेबर होगी फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी वो उस जगह पे यूज़ होगी और जिनकी स्किल्स किसी दूसरी कमोडिटीज़ के लिए होंगी वो वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन करेंगी तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ट्रेड की वजह से क्योंकि डेवलपिंग द्व, कंट्रीज बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर पाती हैं तो वहाँ पे आपके पास इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू आइडियाज़ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मैनेजेरियल अदर स्किल्स अब इंटरेस्टिंगली अगर हम पिछले सिक्स टू सेवन डेकेट्स की बात करें पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू तो वहाँ पे एक चीज़ वर्ल्ड लेवल पे नज़र आती है कि आपके पास टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ ट्रांसफॉर्म हुई है और अल्टीमेटली उसने हेल्प किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ को टू ग्रो फास्टर यहाँ पे बहुत से केस नज़र आएंगे एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो मल्टीपल केसेस आर देयर लाइक इंडिया चाइना मलेशिया इंडोनेशिया तयवान होंगकोंग तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी जो स्किल्स हैं अपनी जो एफिशेंसी हैं वो इनक्रीज़ की हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और बाय स्ट्रक्चर ये वर्ल्ड लेवल पे वेल एक्नोलिश्ड well है चीज़ और ये एक समझी जाती है कि जितनी रिसर्च इनोवेशन जो हैं वो मोस्टली हो रही होंगी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इसकी एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आ, आ, एक सिंपल स्केल देखें अगर तो वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें जहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं और अल्टीमेटली रिसर्च की लाइन में आ, आगे मज़ीद नई इनोवेशनस कर रहे हैं थ्रू रिसर्च वो आपको मोस्टली मिलेंगी डवेलप कंट्रीज़ के अंदर तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्किल्स की जब आ, थ्रू ट्रेड आपके पास हमने आइडिया पढ़ा था टेरफ फैक्ट्री से ले के, के वो पर्टिकुलरली हमने यूरोप की बात की थी कि किस तरह यूरोप डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड देन थ्रू यूरोप आपके पास यू uh, एस uh, की डेवलपमेंट की हमने बात की थी तो इसी तरीके से जब नई प्रोडक्शन यूनिट्स लगते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांस ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम डेवलप कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़ तो वहाँ पे आपके पास लेबर की स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं आपको मौका मिलता है बेहतर स्किल्ड वर्कर के साथ काम करने का तो यू कैन लर्न अला अलाट फ्रॉम हिम इसी तरीके से आ, एक थ्रू ट्रेड जो कॉन्सेप्ट था टेरिफ फैक्ट्रीज़ वाला वो भी बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है फॉर दैट डेवलपमेंट अगर अभी प्रेजेंटली देखें आ, तो बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है या ऐसी फैसिलिटीज़ दे रही है कि जिसके थ्रू डेवेलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट के साथ एक कैपिटल की मूवमेंट होती है फ्रॉम डवेलप टू डेवलपिंग कंट्रीज़ तो वहाँ पे आपके पास बहुत सी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ अदर देन आपके पास इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल भी आ रही होती हैं वहाँ पे आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्लासिकल केसेस की बात करें तो आपको नज़र आएगा जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना तो और इंटरेस्टिंगली अभी ये लार्जेस्ट रेसिपेंट भी, भी हैं या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सरमायाकारी आती है बैरूनी सरमाकारी वो ये दो कंट्रीज़ ही आपको नज़र आएंगे तो इस तरीके से आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है कैपिटल आता है फ्राम डिवेलप कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री ताकि इस केस के अंदर भी डेवेल्प कंट्रीज इंटरेस्टिंगली अपने फायदे के लिए आते हैं क्योंकि उनको सस्ती लेबर मिल रही होती है टैक्स रिबेट्स मिल रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ डिवलपिंग कंट्रीज़ की भी uh, जो है वो हेल्प हो जाती है और वो भी उनको एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन फॉर्म ऑफ कैपिटल मूवमेंट रेवेन्यू जनरेशन तो बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी आती हैं इसको लेके। एंड देन जो हम uh, बात कर रहे थे मनोपली uh, को लेकर मनोपली सिचुएशन जहाँ पे आपके पास जो सप्लायर होता है किसी चीज़ का वो एक्सप्लाइट करता है मार्केट को क्योंकि वह सिंगल सप्लायर या प्रोड्यूसर होता है फॉर अ सर्टन कॉमोडिटी बट अगर ट्रेड आती है और ट्रेड के साथ ऑब्वियसली गुड्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर दैट रीजंस आपके पास आ, जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज़ हैं उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है जब प्रोड्यूसर को ये पता होगा कि ही हैज़ टू फेस अ कंपटीशन नॉट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट बट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वहाँ पर uh, वो भी एफिशेंसीज की तरफ जाएगा वो भी इनोवेशंस की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एक हेल्दी इन्वामेंट क्रिएट होता है तो इस केस के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिसोर्स की बेटर यूटिलाइजेशन होती है अब ऑबसली जो हम डेवलप करते रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो उसके डिमांड सप्लाई साइड फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को और उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही और पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ ऐसी आपको मिलेंगी पिछले तीन चार डेकेट्स के अंदर जो ग्रोथ नहीं कर पाई प्रॉपरली और अगर ग्रोथ कर रही हैं तो वो रियल सेंस में नहीं हो रही जो हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो इकोनॉमिक ग्रोथ मे बी देयर लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो स्पीड नहीं है इन सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज लेकिन फिर भी uh, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन फॉर्म ऑफ स्किल्स इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस केस के अंदर जो चाइना uh, की uh, बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने आएगी जिन्होंने एक बड़ा एक एग्रीकल्चर कंट्री से ट्रांसफॉर्म हुए वो ऑल टुगेदर एक हैवी इंडस्ट्रियल बेस लेके और वो अभी इंटरेस्टिंगली लास्ट फोर टू फाइव डेकेट्स के अंदर वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट ले रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और उनकी इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है तो इन नैट हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस ट्रेड ने डेवलपिंग कंट्रीज को हर्ट ही किया है ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में और उसमें ट्रेड एक मेन फैसिलिटेटर रहा है फॉर सर्टेन कंट्रीज जिसमें चाइना की अगर एग्जांपल लें तो बड़ी आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगी